नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की मिट्टी पर भी नहीं पहुंची, इससे पहले वो अपने बेटे असद की मिट्टी पर भी नहीं पहुंची। आप समझ सकते हैं कि असद हो या अतीक हो या अशरफ हो, किसी के लिए भी वो अपने तरफ से जो है झुकाव नहीं दिखा रही थी। यहाँ पर इतनी ज्यादा कड़क रुख आखिरकार शाइस्ता परवीन ने क्यों अपनाया, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके 3 मुख्य वजह है। क्या है ये मुख्य वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अतीक की मिट्टी तक में नहीं आई पत्नी शाइस्ता, 3 वजहों से दिल कड़ा करने पर मजबूर है। चलिए जानते हैं क्यों नहीं कर रही हैं वो सरेंडर। माफिया गिरी खत्म हो चुकी है, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो गया है, अब तो मिट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अब मेरे घर की औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। अतीक जिन औरतों को परेशान न करने की बात कह रहा था, उसमें उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपये का इनाम है और वो फिलहाल फरार है। वो अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शरीक नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर क्यों नहीं किया। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि शाइस्ता को पुलिस पर भरोसा नहीं। इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की 7 शूटरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, इसमें से 2 पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी FIR दर्ज कराती हैं, इनमें 7 शूटर्स के अलावा अतीक, पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ समेत कई अन्य लोगों के साजिशकर्ता बताया गया था। 7 शूटर्स में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम, अरमान और साबिर शामिल थे। 27 फरवरी को पुलिस अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराती है। 6 मार्च को उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में STF ने मुठभेड़ में असद और गुलाम को मार गिराया। 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वे मारे ही गए हैं। ऐसे में शाइस्ता पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद परिवार में वो ही सबसे बड़ी सदस्य है, ऐसे में 4 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी उस पर है। हो सकता है इसीलिए शाइस्ता कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स अब भी फरार हैं, इनमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर शामिल हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल अतीक की पत्नी भी फरार है, पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाइस्ता शूटर गुड्डू मुस्लिम के दबाव की वजह से सरेंडर ना कर पा रही हो। इसकी वजह भी साफ है, शाइस्ता अगर सरेंडर करती है तो उसके बाद गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जाएगा। ऐसे में शातिर गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि वो शाइस्ता इन परिस्थितियों में सरेंडर करे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाइस्ता को अतीक के काले कारनामों की जानकारी है। इस साल मार्च में UP के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया था कि अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ED ने बुधवार को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ED ने इस दौरान 84.68 लाख कैश, 60 लाख के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, 2.85 करोड़ के कागजात जब्त किए हैं। अतीक के लखनऊ में बने 47 लाख कीमत के 6,600 वर्ग फीट के मकान को भी जब्त कर लिया गया था। अतीक की 100 बेनामी संपत्तियां भी जब्त, प्रयागराज के सदर में बना मकान भी जब्त। अतीक के बाद उसके सारे काले कारनामों की जानकारी उसकी पत्नी शाइस्ता को भी है। अतीक के कई बिल्डरों और बड़े बिजनेसमैन से व्यापारी रिश्ते में हैं। इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनियों में लगाया है। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे कुछ सफेदपोश लोगों ने अपना राज खोलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि इस वक्त अगर सरेंडर करती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में शाइस्ता सही समय का इंतजार कर रही है। अब शाइस्ता परवीन को लेकर के जो है ये खबर आ रही है कि वो जल्द अब इस यहाँ पर सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जो है बचने के बहुत सारी वजह है लेकिन सरेंडर करने की एक भी वजह नहीं है। शाइस्ता परवीन ने जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है, जाहिर सी बात है अब तमाम पुलिस जो है और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है। देखना चाहती है कि शाइस्ता परवीन कब तक जो है उनसे बच करके रहती है। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।